अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर सुहागन महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा। पूरे आस्था के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री की पूजा। सुहागन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए आज वट सावित्री की पूजा की। पूरे देश के साथ साथ धनबाद के कोयलांचल में भी वट वृक्ष के नीचे महिलाएं वट सावित्री की पूजा कर रही हैं ताकि भगवान उनके पति की लंबी उम्र करे। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। गांव शहरों में हर कहीं जहां वट वृक्ष है वहां सुहागिनों का समूह परंपरागत विश्वास से वट सावित्री की पूजा करती है। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा करेंगी। कई स्थानों पर वट वृक्ष के तले सुहागिनों का तांता नजर आएगा। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनों ने परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखेंगी। उनके द्वारा 24 पूरी, 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल एवं अनाज भी चढ़ाए जाएंगे। उसके बाद वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। इस दिन सुहागन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगेंगी। पूजा के लिए घर से सजधज के निकल वट वृक्ष के नीचे कतारबद्ध रूप में पूजन करके दिखाई देंगी। कई जगहों पर वट की पूजा के लिए महिलाएं घरों से ही गुलगुले, पूरी, खीर एवं हलवा के साथ सुहाग का सामान लेकर पहुंचेगी। कहीं कहीं जल, पंचामृत भी लेकर जाएंगी, जहां वे वट के पेड़ के 3 या 5 फेरे लगाकर कच्चे धागे को पेड़ पर लपेटकर वस्त्र सहित चंदन, अक्षत, हल्दी, रोली, फूलमाला, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इन्हें पहनाकर पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। क्यों की जाती है वट सावित्री की पूजा? ऐसा मानना है कि वट अमावस्या के पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया। वो पेड़ से नीचे उतरकर नीचे बैठ गया। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण ना ले। यम ने मना कर दिया मगर वो वापस नहीं लौटी। सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ दिया। वट पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यता है के अनुसार ही तभी से महिलाएं इस दिन को वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जब से मेरी शादी हुई थी तो शादी में मतलब हम लोग का वर पूजा का मतलब जो होता है सो मतलब हम लोग को चढ़ाया जाता है। उसी दिन से हम लोग वर पूजा करने लगते हैं। आज मेरी 34 साल हो गया वर पूजा करने के लिए। हम लोग सब सुहागिन मिल के वर पूजा अपने पति के आयु के लिए, लंबी आयु के लिए वर पूजा करते हैं। और उसमें पूजा करने के बाद में सब प्रसाद चढ़ाने के बाद सबको खुशा हम लोग देते हैं, जोड़ा मांग टीकते हैं कि सबका सुहाग बने रहे और उसके साथ साथ मेरे भी सुहाग बना रहे। हमारे पति एकदम सदा अमर बना रहे, सबके साथ सबका पति अमर बना रहे, उसके साथ मेरे भी पति अमर बना रहे हैं। और इस तरह हम लोग सब सुहागन मिल के पूजा करते हैं। अकेले पूजा नहीं करना चाहिए, सब सुहागन के साथ ही पूजा करना चाहिए। आज 1 महीना की अमावस्या है, 7वीं वट सावित्री व्रत की पूजा भी है। हम सारी महिलाएं आज वट सावित्री की पूजा करते हैं। ये सालों साल से चलते आ रहा है वट सावित्री की पूजा। वट सावित्री और सत्यवान, जो सावित्री अपने सत्यवान का प्राण यमराज से भी लेकर आ गई थी और आज उनका हम लोग पूजा कर रहे हैं इतने महिलाएं मिल करके। और इस तरह से जब यमराज से जब सावित्री प्राण लेकर आ गई थी उन्हीं का पूजा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग भी उनके जैसा महान और हिम्मत वाले बन सके, ताकि हम लोग अपने प्राणों की और अपने साथ पति के प्राणों की, पूरा घर के परिवारों के सुख समृद्धि के लिए और पति के प्राणों की रक्षा की। वट सावित्री व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। लेकिन ये सब तो मतलब वट सावित्री व्रत हमारे मतलब बहुत पहले
सतवन व्रती किए थे। कितने वर्षों से करती आ रही हैं? हम तो आज मेरे मतलब मेरा 15 साल 16 साल से हम ये व्रत कर रहे हैं। क्या विधि है इसका? और हर संकट से ये व्रत में पति की पूछो भाई क्या विधि, क्या विधि है पूजा क्या विधि का? ये है कि जो पति को पैर धोया जाता है, पंखा होकर जाता है और उनको पैर धो के उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि सदा सुहागन का हमको वरदान दीजिए, तो सदा सुहागन रहे, हर ग्रह हर कष्ट से उनको पूरा परिचय बता दीजिए, भगवान उनको